अब आप लोग भी YouTube वीडियोस बनाते हो, यहाँ पर देखो अब आप लोग कैसी वीडियोस एडिट करना चाहिए जिससे यहाँ पर यूजर्स का अटेंशन ग्रैब हो। तो चलिए इस चीज को इस वीडियो में सीखेंगे। मैंने यहाँ पर देखो लगभग 1000 से भी ज्यादा वीडियोस YouTube पर बना के एडिट करके पब्लिश कर दिए, और यही नहीं मैं 5 से भी ज्यादा चैनल्स को यहाँ पर रन कर रहा हूँ फिलहाल में। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर देखो हर किसी वीडियो एडिटर का यहाँ पर वीडियो वो कैसा एडिट करता है उसको मैं नोटिस करता हूँ, और फिर यहाँ पर देखता हूँ क्या चेंजेस करके मैं यहाँ पर बेटर और कर सकता हूँ जिससे यहाँ पर इंगेजमेंट यहाँ पर बढ़े हमारे वीडियो की। इस वीडियो के थ्रू हम लोग यहाँ पर जानेंगे कैसे आप लोग बेस्ट तरीके से वीडियो एडिट कर सकते हैं इंगेजमेंट के लिए YouTube पर, जिससे आपकी YouTube ग्रोथ फास्ट हो, आप लोग यहाँ पर आसानी से ग्रो हो। और यही नहीं मैं आपको यहाँ पर सारी चीजें एकदम डिटेल में काफी अच्छे से बताऊंगा, जो कि यहाँ पर आई थिंक मेरी सबसे अभी तक आप लोग किसी ने नहीं बताई होगी और आप लोगों ने नहीं कहीं देखी होगी। वीडियो पर आगे जैसे पहले आप लोग कहना चाहूंगा, आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो कैसी लगी ये तो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये मैं आप लोग कहना चाहूंगा। अब चलिए सबसे पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो वीडियो टीम में सबसे पहले एक चीज को ध्यान रखना है जो है पेसिंग। तो देखो पेसिंग का मतलब होता है वीडियो की स्पीड। अब यहाँ पर देखो आप लोग ये वीडियो में देखोगे ना, तो जैसे कि आप लोग कहीं पर रुक गए, जैसे कि यहाँ पर मैं अभी रुक गया, ऐसा कुछ हुआ ना, तो ये हुआ देखो यहाँ पर ये अटक गया वीडियो में, थोड़े यहाँ पर स्लो आ गया, तो यहाँ पर ही जो मैंने यहाँ पर स्लो बोला था ना, इस एरिया को काट दिया जाए। यहाँ पर देखो कोई भी यहाँ पर खाली ऑडियो वे नहीं, उस जगह को काट दो, यहाँ पर अपनी वीडियो का स्पीड यहाँ पर काफी फास्ट होगा। यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, ये कॉन्टेंट क्यों चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट कॉन्टेंट में काफी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आप लोग सोचो यहाँ पर कि आप लोग अपने कॉन्टेंट को जितना फास्ट जितना शॉर्ट यहाँ पर बनाओगे ना, उतना अच्छा यहाँ पर होने वाला है। पेसिंग का कॉन्सेप्ट भूलिएगा मत। एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, जब भी आप लोग नेक्स्ट टाइम वीडियो एडिट करने जाओगे ना, तो सबसे पहले पेसिंग को करेक्ट करिएगा। सेकंड में एक चीज देख रहा हूँ, आप लोगों ने मैक्सिमम यूट्यूबर्स की वीडियो देखी होगी, तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, वो यहाँ पर देखो जैसे कि कोई भी यहाँ पर आता है पॉइंट वन, जैसे कि मैंने आप लोग बताया पेसिंग, तो पेसिंग में आप लोगों ने यहाँ पर देखा कैसा बैकग्राउंड में ओवरले चल रहा था यहाँ पर, उसके ऊपर मैंने टेक्स्ट लिखा था, तो आप लोग यहाँ पर ये समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो आप लोगों को ओवरले के ऊपर टेक्स्ट डालना है। ये देखो यहाँ पर सेकंड ट्रेंडिंग चीज यहाँ पर यूट्यूब में चल रही है, जिसमें यहाँ पर कोई भी ओवरले डालता है, उसके ऊपर टेक्स्ट डालता है, यहाँ पर कोई भी चीज बताता है वो पॉइंट्स में, तो ओवरले के थ्रू वो यहाँ पर टेक्स्ट को दिखाता है, जिससे यहाँ पर करो टेक्स्ट अच्छे से हाईलाइट होता है और बंदे का अटेंशन ग्रैब होता है, क्योंकि बैकग्राउंड में चीजें यहाँ पर मूव कर रही है, जिससे यहाँ पर ओवरले बंदे का अटेंशन ग्रैब करती है। तो ये इंगेजमेंट में काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको ध्यान रखना है। आप लोगों को कोई भी ओवरले ले लेना, देखो यहाँ पर कई सारी ओवरले देखो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप लोग उनको ले सकते हैं, और आप लोग ओवरले के साथ अपने हिसाब से क्रिएटिव हो सकते हैं। आप लोगों को प्रीमियर प्रो काफी अच्छे तरीके से आता है, तो आप लोग ओवरले के साथ क्रिएटिव काफी बढ़िया तरीके से हो सकते हैं। इफ आपको प्रीमियर प्रो इतने अच्छे से नहीं आता ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, प्रीमियर प्रो के ऊपर एक पूरी सीरीज बना दी जाएगी। इसी में एक चीज नोटिस करी, आप लोग यहाँ पर किसी का भी वीडियो देख रहे हो, वो सिर्फ यहाँ पर वीडियो में बोलते जा रहा है, तो आप लोग का उसके वीडियो देखो कि आप तो बोर हो जाओगे ना। यहाँ पर वीडियो से रिलेटेड कंटेंट हम लोग नहीं देखेंगे जो भी वो बता रहा है, तो हम लोग क्यों उसकी वीडियो को देखें। तो आप लोग चीज जरूर नोटिस करना, आप लोग जो भी वीडियो बना रहे हो ना, उस वीडियो में यहाँ पर हर 10 से 15 सेकंड के अंदर आप लोग फ्रेम चेंज करते जाइए। जैसे कि देखो मैं यहाँ था, अब मैं इस तरफ आ चुका हूँ, तो देखो आप लोग को फ्रेम चेंज करना है। दूसरी चीज यहाँ पर आप लोगों को देखिए, ज्यादा ज्यादा यहाँ पर आप लोग बी रोल वाली फुटेजेस लगा सकते हैं। देखो आप लोग बी रोल वाली फुटेजेस नहीं भी रहती, कई सारी फ्री वेबसाइट है जिनसे यहाँ पर फ्री वीडियो फुटेजेस मिल जाती है, तो वहां से वीडियो फुटेजेस उठा के डाल दो। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों को बी रोल जरूर यूज करना है। कोई भी बंदा आपकी वीडियो को एकदम लगातार स्ट्रेट नहीं देख पाएगा, इफ आप लोग बोल रहे हैं तो वो ऑब्वियसली बात है बोर हो जाएगा। जो चीज आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ पर देखिए अप्लाई कर देना, गारंटी लेता हूँ कि आपकी वीडियो एडिटिंग इतनी बदल जाएगी, यूट्यूब वीडियो के व्यूज रेट यहाँ पर देखो काफी ऊपर जाने वाले, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। चीजें ऐसी है जो कि यहाँ पर देखो फिलहाल में आज के समय पर यूट्यूब पर देखो हर एक यूट्यूबर यूज कर रहा है एडिटिंग टेक्निक्स को। यहाँ पर देखो ये काफी ट्रेंडिंग एडिटिंग टेक्निक्स है, जिससे यहाँ पर देखो ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब होता है, ज्यादा ज्यादा इंगेजमेंट रेट बढ़ता है, इससे हमारे व्यूज भी आते हैं, देन यूट्यूब को लगता है कि इसकी वीडियो काफी बेटर काफी बढ़िया है, फिर हमारे यूट्यूब वीडियोस को प्रमोशन मिलना शुरू होता है। इसलिए इन चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और तो चीज देखिए, आप लोगों को बेस्ट तरीके से यूट्यूब पर एडिट करना है, तो यहाँ पर आप लोग कहना चाहूंगा कलर करेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ये वीडियो यहाँ पर मैं रॉ फुटेज दिखा रहा हूँ, आप लोग कैसी देखने को मिल रही है, अभी आप लोग जो फुटेज देख रहे हैं ये रॉ फुटेज है, और यहाँ पर देखिए जब आप लोग देखेंगे यहाँ पर कलर फुटेज आप लोग कैसी देखने को मिल रही थी, मैंने जब कलर करेक्शन किया यहाँ पर कलर ग्रेड किया, आप लोग ने देखा होगा कैसी फुटेज अब हम लोग को देखने को मिल रही है। तो आप लोग देखिए ये फर्क देखने को मिलता है यहाँ पर वीडियो क्वालिटी में कलर ग्रेडिंग और कलर करेक्शन के बाद, तो आप लोग कलर ग्रेड और कलर करेक्शन जरूर सीखें, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आपको ये भी नहीं आता तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ला दी जाएगी, आप ये भी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। एक चीज और ऐसी है जो कि देखो काफी ज्यादा सीक्रेट है, ये तो देखो आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते होंगे। देखो मैंने एक चीज नोटिस करी वीडियोस में, यहाँ पर देखो जब कभी साउंड आते हैं ना, आप लोग यहाँ पर देखेंगे जो साउंड है ना, ये साउंड देखिए आप लोग का वीडियो का पूरा यहाँ पर काम बदल देते हैं आपकी वीडियो के व्यूवर्स के लिए और आपके लिए, और आपका एंगेजमेंट रेट भी पूरा बदल देते हैं आपको। यहाँ पर पता ही ये चीज, यहाँ पर देखो साउंड से क्या होता है आपकी वीडियो को देखिए रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है। मैंने ये देखा है, वीडियो देखता हूँ जब उसमें साउंड आता है, तो मैंने एक चीज देखी कि उसमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर वूज का साउंड आया, यहाँ पर किसी को बीटिंग का साउंड आया, या फिर वो यहाँ पर कैमरा शटर का साउंड आया, कैसेट का साउंड आया, कई सारे साउंड आते हैं, तो हम लोग को रियल लाइफ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो वहां से देखो हम लोग एक अलग लेवल की फीलिंग आती है, वीडियो को देखते देखते ऐसा लगता है कि हम लोग वीडियो यहाँ पर रियल लाइफ में देख रहे हैं, हमारे सामने चीजें हो रही है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ पर देखो आप लोग जो भी कर रहे हैं ना वीडियो, उनमें साउंड इफेक्ट जरूर यूज करो, साउंड इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आप लोग कुछ साउंड इफेक्ट्स के नाम बताऊं, तो यहाँ पर देखो आप लोग को आइडिया का साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर लेना चाहिए, वूज का साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर लेना चाहिए, इसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग कैमरा शटर का साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना चाहिए। तो ये कुछ देखो यहाँ पर बेस्ट और फेमस साउंड इफेक्ट है, जो कि देखो यहाँ पर फिलहाल में काफी सारे यूट्यूबर्स यूज करते हैं, एंड मैं खुद भी इन साउंड इफेक्ट को यूज कर
करता हूँ। साउंड इफेक्ट वीडियो एडिटिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैंने यहाँ पर देखा आप लोग किसी की वीडियो देखोगे ना तो वहाँ पर साउंड इफेक्ट तो सबसे पहली चीज आप लोग काफी कॉमन देखने को मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी वीडियो एडिटर हो या फिर कोई भी यूट्यूबर हो, साउंड इफेक्ट काफी मैटर करता है। और यहाँ पर एक और चीज देखो, यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक वीडियो के अकॉर्डिंग मैटर करता है। आपका वीडियो मोटिवेशनल तो मोटिवेशनल बैकग्राउंड म्यूजिक जरूर यूज करिए, वीडियो हैप्पी है तो हैप्पी वाला बैकग्राउंड म्यूजिक जरूर यूज करिए, कोई ट्यूटोरियल है तो ट्यूटोरियल बेस्ड यहाँ पर हैप्पी साउंड इफेक्ट जरूर यूज करिए, हैप्पी बेस्ड बैकग्राउंड म्यूजिक जरूर यूज करिए। आप लोग ये कहना चाहूंगा, देखो आप लोग अपनी वीडियो यहाँ पर जिस प्रकार की है उसके हिसाब से आप लोग बैकग्राउंड म्यूजिक पहचानिए। थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा समय लगेगा, पर देखो तुम्हारी वीडियो काफी बढ़िया, काफी तगड़ी एडिट होगी। इन चीजों को तुम लोग ध्यान में रखो, श्योर यहाँ पर मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी यूट्यूब वीडियो यहाँ पर काफी बढ़िया एडिट होने वाली है। यूट्यूब पर आप लोग वीडियो एडिटिंग करते हो तो ये चीजों को ध्यान रखो, इनको आप लोग नोट डाउन कर लो अभी जाकर अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में या फिर अपने लैपटॉप में या फिर अपने स्मार्टफोन के नोट्स में। ये चीजें तुम्हारा कितना साथ देने वाली है फिर तुम लोग खुद जानोगे वीडियो एडिट होने के बाद, तुम लोग जब इन चीजों को फॉलो करोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।